सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे इस वीडियो को देखना पसंद किया और इस पर क्लिक किया। मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा क्योंकि इस चैनल पर भवन निर्माण से संबंधित सबसे सही, सटीक और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोस अपलोड की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जब मकान बनाते हैं तो मकान की दीवारों में चुनने के लिए हमारे पास में कई प्रकार के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आज के जमाने में AAC ब्लॉक का प्रचलन काफी बढ़ गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को AAC ब्लॉक की प्राइस और साइज के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। बस आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि AAC ब्लॉक की साइज क्या होती है, उनकी प्राइस क्या होती है, थिकनेस वाइज कितना स्क्वायर फुट उसमें काम करता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मकान की दीवार बनाते समय हमारे पास में कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं, उनके क्या फायदे हैं और उनके क्या नुकसान हैं, उनकी कीमत कितनी होती है और उनकी साइज क्या होती है और उनकी जो लाइफ क्या होती है, उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके बाद में आप देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि AAC ब्लॉक की प्राइस क्या होती है। दोस्तों, AAC ब्लॉक की विभिन्न प्रकार की साइज और थिकनेस होने के कारण इसकी प्राइस किसी एक नंबर में नहीं बताई जा सकती। इनकी कीमत अलग अलग साइज के हिसाब से होती है, लेकिन मैं आज आपको एकदम आसान तरीके से बता दूंगा कि AAC ब्लॉक की किस प्रकार से साइज निकाली जाती है, कितना स्क्वायर फुट होता है और उनकी क्या प्राइस होती है और उसकी थिकनेस कितनी होती है। अगर यह ब्लॉक आप किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से खरीदते हैं तो वह कंपनी आपको यह ब्लॉक क्यूबिक मीटर में देती है। क्यूबिक मीटर मींस 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा। एक क्यूबिक मीटर की कीमत आज मार्केट में 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के बीच में है। अब ये जो 3 और 4,000 का जो डिफरेंस है, यह है आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी और AAC ब्लॉक की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है और अवेलेबिलिटी कहां पर है और कितनी है। अगर आपके शहर के आसपास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसकी क्वालिटी लो है और आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो यह आपको 3,000 रुपये में भी मिल जाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूर है, क्वालिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए और क्वांटिटी कम है तो आपको इसके लिए 4,000 रुपये क्यूबिक मीटर भी देना पड़ सकता है। क्योंकि AAC ब्लॉक क्यूबिक मीटर में मिलता है और यहीं से ही लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है कि क्यूबिक मीटर को स्क्वायर फुट में कैसे कन्वर्ट करें और इसको थिकनेस वाइज कैसे कैलकुलेट करें। मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 1 क्यूबिक मीटर मीन्स 3.25 फुट लंबा, 3.25 फुट ऊंचा और 3.25 फुट चौड़ा। आप इसको किसी भी एंगल से माप सकते हैं, यह आपको 3.25 फुट ही मिलेगा। अब हम समझेंगे कि इस ब्लॉक में कितना स्क्वायर फुट काम निकलेगा और कितनी थिकनेस होगी, साथ साथ इसकी थिकनेस के हिसाब से इसकी कीमत भी जानेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने सहूलियत के हिसाब से कितने भी रख सकते हैं, यह सिर्फ एक मैं आपको काउंटिंग करने का, कैलकुलेटिंग करने का एक तरीका बता रहा हूँ। अगर हम इस ब्लॉक को इस तरह से कटिंग करते हैं और इसकी थिकनेस 9 इंच रखते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक में से 45 स्क्वायर फुट तक का एरिया कवर करेगा और 1 स्क्वायर फुट की कीमत होगी 78 रुपीज पर स्क्वायर फुट। मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर फुट थिकनेस के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने सहूलियत के हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं। अब अगर हम इस ब्लॉक को 6 इंच की मोटाई के हिसाब से कटिंग करते हैं तो इसमें 70 स्क्वायर फुट का काम करता है, यानी 70 स्क्वायर फुट का काम करेगा और उसकी कीमत पड़ेगी 50 रुपया पर स्क्वायर फुट। और अगर आप इसको 4 इंच की थिकनेस में कटिंग करते हैं तो 100 स्क्वायर फुट का काम करेगा और कीमत पड़ेगी 35 रुपये प्रति स्क्वायर फुट। और अगर आप इसको 3 इंच की मोटाई में कटिंग करते हैं तो इसका एरिया कवर करेगा 130 स्क्वायर फुट और उसकी कीमत पड़ेगी मात्र 26 रुपये प्रति स्क्वायर फुट। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ब्लॉक की थिकनेस जितनी कम होती है उतनी ही इसका स्क्वायर फुट बढ़ जाता है और कीमत घट जाती है। अब जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में से कौन सी साइज के कितने ब्लॉक निकल जाते हैं। अगर हम 600 mm लंबा, 200 mm ऊंचा
और 150 mm की थिकनेस का ब्लॉक लेते हैं तो एक क्यूबिक मीटर में से 55 नंग निकल जाते हैं। अगर हम 600 mm लंबा, 200 mm ऊंचा और 125 mm थिकनेस लेते हैं तो इसमें कुल 66 नंग निकल जाते हैं, यानी 66 ब्लॉक निकल जाते हैं। और वहीं अगर 600 mm लंबा, 200 mm ऊंचा और 100 mm इसकी थिकनेस होगी तो 83 पीस यानी 83 पीस टोटल निकलेंगे। और अगर हम 600 mm लंबा और 200 mm ऊंचा और 75 mm का ब्लॉक निकालते हैं तो एक क्यूबिक मीटर में से 111 ब्लॉक निकाले जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह आपको आपके मकान बनाते समय आपको उपयोगी साबित होगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैंने यह बताया है कि मकान बनाते समय दीवार में कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं और उनके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।